योगी सरकार की महिला हेल्प डेस्क महिलाओं को न्याय दिलाने में नाकाम साबित हो रहा है। यहां तैनात कर्मी अफसरों के दौरे के वक्त तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिखाते हैं, लेकिन हकीकत यह भी है पुलिस की लापरवाही के चलते अपना विश्वास खो रहे हैं। कन्नौज में ऐसी एक महिला को जब महिला हेल्प डेस्क से न्याय नहीं मिला तो उसने SP से न्याय की गुहार लगाई है। कन्नौज SP कार्यालय अपनी घायल बेटियों को लेकर पहुंची शारदा देवी यहाँ की ठठिया थाना क्षेत्र के कुड़िना गाँव की रहने वाली है। इनका कहना है कि 28 दिसंबर को तालग्राम थाना क्षेत्र के भवानी सराय गांव के दबंग कन्हैया पारुल व मोंटी ने हमला कर दिया था, जिसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मोंटी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसका बदला लेने के लिए पारुल कन्हैया ने 6 अन्य दबंगों के साथ मिलकर दूसरे दिन फिर से जान से मारने की नीयत से हमला किया। धारदार हथियारों से हुए इस हमले में शारदा देवी की पुत्रियाँ सोनम, दिव्या व पूजा की गंभीर चोटें आईं। पीड़ितों ने किसी तरह बेटियों की जान बचाई। उसने श्यामू पर बेटी को बदनीयत से दबोचने व कुंडल और मोबाइल लूटने का आरोप भी लगाया। हमारे संवाददाता रईस खान ने घायल बेटियों को लेकर SP कार्यालय आई इस मां का दर्द समझा और उसे प्रमुखता से उठाया। अब देखना होगा कि पुलिस कप्तान प्रशांत वर्मा दबंगों पर क्या कार्यवाही करते हैं। यह भी देखने वाली बात होगी कि लापरवाह ठठिया पुलिस को सुधारने के लिए कप्तान क्या कदम उठाते हैं। हमारा नाम पूजा है। पूजा कहाँ की रहने वाली हो? सुखीपुरना। क्या मामला हुआ आज SP ऑफिस में सब लोग आए? ये कल सुबह हमारी बहन दुकान पर जा रही थी टोस लेने, बच्चों के लिए छोटे छोटे हैं, सो हुए लोग आए कि हमारी जगह से क्यों निकलने लगे। कौन लोग आए थे? सुमित ने गाली दी और कहने लगे हमारी जगह से क्यों निकलने लगे। मनोज दुबे ने कहा ले आओ लाठी मारो आके। मनोज दुबे, सुमित, पिंटू दुबे, श्यामू दुबे, इन सब एक लड़की को मारने लगे। तो शैलेश, रामू, सिमी, ज्योति, ये सब लोग किसे मार रहे थे? शशि। तो सब जने लाठी ले लेके ये सब लोग आ गए और हम बचाने के लिए गए। चलो चलो क्यों मार रहे? तो हमको भी मारा, हम 3 घंटा वहाँ बेहोश डरे रहे। और किससे मारा आप लोग? लाठी को मारा, 4 लाठी मेरे सर पे, 2 लाठी लगी, 1 लाठी यहाँ पर लगी, मेरा बखा बहुत दर्द कर रहा है, 1 लाठी ये लगी, मेरा हाथ फटा हुआ है। कितने लोग घायल हैं आप लोगों के साथ? 5 लोग हमारे घर से घायल हुए हैं। कोतवाली में आपने एप्लीकेशन दी? हमारा मोबाइल छुटा लिया, मैं हाथ में झुमकी पहन रहे थे, साड़ी मैंने वहीं द्वारे पर बांध दिया करके, और सो मेरे हाथ से झुमकी छुटा ली। तो थाने गई थी? थाने गई थी आप? थाने हम गए थे, थाने वाले ने मेरी सुनवाई नहीं की। उनने कहा ना कही यहीं कर लो, आप इसमें सुलह कर लो, तुम्हारा मोबाइल दिवा देंगे और झुमकी भी कोशिश करेंगे, झुमकी भी दिवा देंगे। किसने कहा था ये? ठठिया थाने के पुलिस वालों ने कहा था। तुमने कि ऐसे सुलह नहीं करेंगे, मान जाओ ब्याज बहुत बढ़ जाएगा। हमने कि मार खा ली, हम ब्याज से नहीं डरते, हम तो ब्याज से नहीं डरते, हम जाएंगे। सो ये बेटी को दर्द ज़्यादा हो रहा था, हम मेडिकल गए। आज हम कन्नौज आए हैं एप्लीकेशन देने, जब ठठिया वाले ने सुना नहीं तो मैं कन्नौज आई हूँ। ठीक है।